हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उनके सिम्टम्स को देखकर लोग पहले ही अपना अपना अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि अच्छा, तुमको ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो तुमको लड़की होने का चांसेस ज़्यादा है, ये सारे सिम्टम्स में बॉय होता है। तो पुराने ज़माने से चला आ रहा है ये सारे सिम्टम्स और आज के भी ज़माने में बहुत ज़्यादा सच होती है। तो वो सारी चीज़ें और मेरे साथ कौन कौन से सिम्टम मैच किए थे मेरे टाइम पर, ये चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट कर। से आप प्रेग्नेंट होते हैं तो एक नई रात, एक नई सुबह, एक नया प्रॉब्लम आपके साथ स्टार्ट होता है। हर टाइम कुछ ना कुछ आपके शरीर में नए नए बदलाव देखने को मिलते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि पहली तिमाही में जो चेंजेस हो रहे हैं वो दूसरी तिमाही में भी रहेंगे। जैसे पेट बढ़ना, तो अलग अलग बदलाव स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो सारे बदलाव पे हम चर्चा करने वाले हैं। वो मॉर्निंग में वॉमिट हो रहा है, सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए आपको वॉमिट हो रहा है और बहुत गंदा वाला वॉमिट हो रहा है। जैसे आप ब्रश करने जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, उस टाइम पे आपको वॉमिट हो रहा है, उसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। के लिए मेडिसिंस भी देते हैं जिससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो मॉर्निंग सिकनेस में कहा जाता है कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस 1 से लेकर 3 मंथ तक है, लगातार है, रोज़ सुबह आपको वॉमिट हो रहा है, तो कहा जाता है कि लड़की होने का चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस में अधिकतर महिला में देखा गया है कि मॉर्निंग सिकनेस जिसको हुई है उनको लड़की हुई है। और मेरे साथ भी यही था, जब मैंने फर्स्ट बार बेबी गर्ल को कंसीव किया था तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती थी। ऐसा कोई मतलब 4-5 महीने तक ऐसा कोई सुबह नहीं था जिस सुबह मेरा वॉमिट नहीं आता था। बहुत गंदा वाला वॉमिट होता है। अगर आपके साथ हो रहा है तो आप रिलेट कर सकते हैं। अंदर का पूरा लगता है कि अब बाहर ही आ जाएगा, उस टाइप का वॉमिट होता है। तो अगर आपको डॉक्टर मेडिसिंस दिए हैं तो आप ज़रूर खाइए, सुबह उठते ही खाइए, ताकि वो गंदा वाला वॉमिट आपको ना हो। और आपको वॉमिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, श्योर नहीं हो सकते मेरे वीडियोस को देखकर। क्योंकि अधिकतर लेडीज़ में देखा गया है और मेरे साथ भी ये मैच किया है, तो मैं तो बोलूँगी हाँ, मॉर्निंग सिकनेस में लड़की होती है। आप देख लीजिए, अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमें पहुँचते हैं 4 मंथ में पहुँचते हैं तो आपका पेट में हल्का सा उभार नज़र आने लगता है, हल्का सा आपको शेप समझ आने लगेगा। या तो आपका इस टाइप का ओवल शेप का पेट निकलेगा या फिर आपका गोल शेप में पेट निकलेगा। गोल शेप का जो पेट होगा वो ऊपर की तरफ होता है और ओवल शेप का जो पेट होता है नीचे की तरफ होता है। तो ओवल शेप का अगर आपका पेट निकला है तो कहा जाता है आपने बॉय कंसीव किया है, और गोल शेप का अगर आपका पेट निकला है तो कहा जाता है आपने लड़की कंसीव किया है। हल्के आकार का पेट निकला था गोल शेप का, और जब मैं लड़की को कंसीव की थी तो बिल्कुल लंबे आकार का पेट था, बिल्कुल ओवल शेप का। तो अगर आपके साथ भी हो रहा है, गोल शेप का निकला है या फिर ओवल शेप का निकला है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही साथ जैसे ही आपका पेट निकलता है तो आप देखेंगे आपके हेयर एक्युमुलेशन चालू हो जाता है। एक लाइन आप देखेंगे धीरे धीरे डार्क होते जाएगी, और तीसरी तिमाही में जैसे आप पहुंचते हैं तो वो लाइन अच्छे से समझ आ जाएगी कि आपकी डार्क लाइन बनी है या फिर लाइट लाइन बनी है। अगर लाइट लाइन बनी है तो कहा जाता है लड़की होगी, अगर वो डार्क लाइन बनी है तो कहा जाता है लड़का होगा। देख लीजिए, अगर आपका लाइट लाइन बना है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर डार्क लाइन बना है तो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरो ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए, मेरे वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइव अपडेट डालती हूँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, आपका कुछ क्वेरीज होगा तो जरूर लिख दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।